रहा था, जुमला था, चुनावी जुमला से जो आदमी प्रभावित हो उसके बारे में क्या बोला जा सकता है, चुनाव से पहले ही ना बोले थे। और पिक एंड चूज पॉलिसी जो इन लोगों ने अपनाया है, आज के टाइम में आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि किसको परिहार मिला। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन यानी कि 3 दिसंबर 2021 को बिहार के विभिन्न जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे सैकड़ों की संख्या में निरुद्ध बंदियों को अपने निर्धारित सजा 14 वर्ष पूरी कर लेने के बाद भी नहीं छोड़ा जा रहा। इस मामले में राज्य सरकार का आचरण कोई निष्पक्षता और पारदर्शिता का नहीं बल्कि पिक एंड चूज का है। इस पूरे मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गयी जिसमें माननीय प्रभारी गृह मंत्री भी शामिल हुए। मंत्री महोदय ने कहा, लोक सेवक की हत्या के मामले में परिहार दे नहीं है, जबकि हमारा संविधान चाहे राष्ट्रपति हो या चपरासी, एक गरीब हो, टाटा बिरला अंबानी में कोई फर्क नहीं करता। मेरे पिता को यह परिहार पूर्व में ही मिल चुका है। कराधीक्षक का प्रस्ताव यह स्वयं बताता है कि यह नियमानुकूल है। प्रोबेशन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी असमय कारामुक्ति की अनुशंसा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि संबंधित माननीय कोर्ट ने भी सरकार से परिहार की पेशकश की है। तो सवाल है कि क्या मंत्री महोदय न्यायालय से भी बड़े हैं या सदन में अपने पूर्वाग्रह और राजनीतिक विद्वेष का प्रदर्शन कर रही है। लगातार कोरोना से पूर्व और कोरोना के बाद ऐसे अनेकों आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजे गए हैं, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होने से सैकड़ों की संख्या में आज ऐसे कैदी जेलों में निरुद्ध हैं, जो अपने निर्धारित सजा 14 वर्ष पूरी कर चुके हैं और समय पर राज्य परिहार बोर्ड की बैठक नहीं करने की वजह से वे सभी इस अधिकार से वंचित हैं। सरकार की मतलब आप बोलिए कि बदले की भावना या सिंगल टारगेट करके और पिक एंड चूज पॉलिसी जो इन लोगों ने अपनाया है, आज के टाइम में आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि किसको परिहार मिला, किसको छुट्टी मिली, किसको नहीं, क्योंकि इंटरनेट पे ऐसी भी कोई भी चीज़ें जो है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दिल्ली मॉडल के हिसाब से इंटरनेट पे सब कुछ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है बिहार में। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये जिस तरीके से सरकार ने ये अपने नियत को आज साफ कर दिया है, खैर हम लोग तो संघर्ष के लिए बने हैं, संघर्ष करेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे, हाँ इससे पहले भी लड़ते रहे हैं, लड़ाई में तो हम लोग पीछे हटने नहीं वाले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हम लोगों को पता है कि सरकार की मंशा क्या है। तो वही झूठ बोल रहे थे, जुमला था, चुनावी जुमला से जो आदमी प्रभावित हो के बारे में क्या बोला जा सकता है, चुनाव से पहले ही ना बोले थे। तो चुनाव आया, बात भूल गए, चुनाव खत्म, एक जुमला की सरकार है, ऊपर नीचे सब जगह जुमला ही चल रहा है, तो यही बात है। जुमला देने में नीतीश जी पीछे नहीं है, आगे भी क्या रणनीति, हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और ये क्या कहते हैं, सदन कोई कोर्ट नहीं होता है। जिस तरीके से मंत्री महोदय ने ये सोच लिया कि कोर्ट की तरह वो न्यायाधीश हो गए हैं और क्या कहते हैं न्याय उन्होंने कर दिया है, ऐसा नहीं होता है। वो न्याय हम लोग न्याय से हम लोग जो है वंचित हैं और हम लोग देखेंगे मतलब उसके हिसाब से आगे कैसे क्या होगा। 29 को सिंह गर्जना रैली होने वाली है और पूरे बिहार में हमारे जितने भी चाहने वाले हैं वो सब आएंगे, बाहर से यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, सब जगह से लोग।